अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अली श्याम और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा दिल से, जो आप हमें पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा रिव्यू दिया 6 सितंबर की वीडियो पे। उस वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया और कमेंट्स किए। इससे आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अपने यहाँ जो ट्रिप है, हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में जा रहे हैं, तो वो जो है सैफनगुलम झील और नारायण लगान की तरफ जाने लगे, तो उसके बारे में आप लोगों को सारी जो डिटेल में उसकी इन्फॉर्मेशन है वो भी बताऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी जो वीडियोज है उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो में जाने। गाइस, हम निकल चुके हैं अपने रास्ते की जाने। आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये पिछली वाली वीडियो का इसने रास्ता लगा लिया है, तो ऐसी बात कोई नहीं है, रास्ता सेम ही है, लेकिन जो हम जिस जगह जा रहे हैं वो मुख्तलिफ है। नारायण कागान और सैफुल मलूक झील उस तरफ जा रहे हैं हम, तो उसके बारे में भी आप लोग को सारी जो है वो बताऊँगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे मेरी स्पीड भी आप लोग को दिखाया, तो हम बहुत कम स्पीड उस पर जा रहे हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं स्पीड भी। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचेंगे तो आप लोग से बात करूँगा। गर्मियों में ये गिलगित हंजा का गेटवे भी है। नारायण बाज़ार गर्मियों में बहुत ज़्यादा हजूम होता है और होटल और रेस्टोरेंट अपनी खिदमत पेश करते हैं और तकरीबन 50 लाख सियाह वादी की सैर करने के लिए आते हैं। गाइस, यहाँ पे जो है सिर्फ जीप या पैदल सवारी हम कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे जो है और कोई सवारी या और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जाती, इसलिए जीप या तो फिर पैदल। तकरीबन 99 किलोमीटर 5.6 मील शुमाल में वादी कागान से शुमाली हिस्से में वाक़ है। मलका पर्वत वादी की बुलंद तरीन चोटी झील के करीब है। झील गर्मियों के मौसम में करीबी कस्बे नारायण से काबिल रसाई है, लेकिन सर्दियों के दौरान रसाई में महदूद है क्योंकि भारी बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से झील दूसरों इलाकों से कट जाने का खतरा रहता है। इस झील के साथ परियों और जिन्नों की कहानियां मुंसलिक हैं जो यहाँ के मुकामी लोग खुद बयान करते हैं। लोगों का कहना है कि इसका पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि इस झील की तह से निकलता है। झील के पानी की मकदार एक ही रहती है और ये भी सुना है कि इसकी गहराई कोई भी नहीं बता सकता और जो भी पता लगाने की कोशिश करता है वो झील की तह से वापस नहीं आ सकता। ये भी कहा जाता है कि ये झील अब से 3 लाख साल पहले वजूद में आई थी। इस झील का नाम शहजादा सैफुल मलूक के नाम पर रखा गया, झील सैफुल मलूक। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मेरा ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, खूब आप लोगों ने मौज मस्ती की होगी, आप लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो इस टाइम जो मेरी आंखें ऐसे जो जला रही हैं, तो मैं आप लोग से ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा। बस यही कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। प्लीज़ जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ
वीडियो की नोटिफिकेशन है वो भी मिलती रहे, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तक के लिए अपने प्यारे और छोटे चैनल को इजाज़त दें, अपना और अपने प्यारों घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।